गोरखपुर डूडा विभाग द्वारा निविदा में व्यापक अनियमितता एवं परियोजना अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डूडा के रजिस्टर्ड ठेकेदार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि डूडा के परियोजना अधिकारी द्वारा अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डूडा के ठेकेदारों ने बताया, ये पूर्व में भी बताया जा चुका है कि जो डूडा में वर्तमान जो टेंडर 161 लाट का निकाला गया था उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने जांच सौंपी थी, जिस पर नगर आयुक्त साहब ने जो है कमेटी बनाई थी और मंडलायुक्त साहब ने भी एक अपर आयुक्त शासन के तहत एक उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है। जांच के पूर्व ही वर्तमान में फाइनेंशियल बिट खुलनी चालू हो गई और ये कह के खोला जा रहा है कि नगर आयुक्त साहब के मौखिक आदेशानुसार, क्या 20 करोड़ का टेंडर मौखिक आदेश से खोल दिया जाता है क्या? 15 दिन से जांच चल रहा है, डीएम कमिश्नर पीडी मुख्यमंत्री सबको पोर्टेबल दे दिया गया है, सब जांच के उपरांत ही फिर टेंडर खोल दिए। इसके पूर्व में भी घोटाला हुआ है 15, 16 और 16, 17 के कामों का, अभी तक जांच हो रहा है, इस जांच को दबवा के बैठे हुए हैं। इतना भ्रष्ट कभी आज तक कोई आया ही नहीं। एक एक रोड जो है इनको हटा करके फिर से जांच कराई जाए या टेंडर फिर से डाला जाए।